आज 23 जून वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम इस्कॉन चार कोप से विष्णु आनंद प्रभु, अमित नारायण प्रभु, उत्तम प्रभु और आज हमारे आराध्य माता जी आए हैं, यशोमती माता जी, शिल्पा माता जी और भी जो भी आजू बाजू में बैठे हैं, आप सभी भक्तों का स्वागत। गोरेगांव से मनस्वी कृष्ण प्रभु माता जी का हार्दिक स्वागत। थाने से विक्रम प्रभु का हम स्वागत करते हैं उनकी धर्म पत्नी के साथ। दहीसर से पवित्र पूजा माता जी और कार्तिक प्रभु का स्वागत करते हैं और बड़ी भारी संख्या में एकत्रित किए हैं अब हमारे हरिपरायण प्रभु, अंधेरी से, जूहू से हरिपरायण प्रभु और उनके पूरे ग्रुप का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मरीन लाइंस चिरा बाजार से दिनमणि प्रभु का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हरेश प्रभु का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सूरत से सार्वभौम प्रभु सुनील बुधवानी का हार्दिक स्वागत। तो आप सभी भक्तों का आज के इस वर्ल्ड काउंसिल प्रोग्राम में स्वागत करते हैं और आज परम पावन दिन है, आज पांडव एकादशी, निर्जल एकादशी है। इस निर्जल एकादशी की आप सबको शुभकामना। आपके वहाँ निर्जल एकादशी समाप्त होने को आई है, यहाँ पर शुरू हो रही है। तो आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम आज के दिन निर्जल एकादशी कर सके। ओके, अभी अभी मलाड से मनमोहन प्रभु, माता जी दशरथ प्रभु और उनकी धर्मपत्नी, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी भक्तों का हृदय से, भाव से हार्दिक स्वागत। आइए, आज का ये पवित्र दिन है और आप सब लोग बड़ी भारी संख्या में इस काउंसिल में जुटे हुए हैं। तो आज हम ठाकुर भक्ति विनोद के द्वारा लिखा गया एक सुंदर भजन गाएंगे और आज का प्रवचन विशेष होगा। आज के प्रवचन में अनेक शास्त्रों के प्रमाण कोटेशन को लेकर एकादशी की महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम ठाकुर भक्ति विनोद के द्वारा लिखा गया यह हमारा गौड़ीय भजन तब तक सब लोग महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, श्री रूप गोस्वामी ने भक्तिर सामृत सिंधु में भक्ति के लक्षण बताते हुए कहा कि शुद्ध भक्त वो है जो अपने जीवन में भक्ति में जो अनुकूल वस्तु है उसको स्वीकार करे और भक्ति में प्रतिकूल वस्तु को त्याग दे। अर्थात जो कार्य, जो वस्तु भक्ति करने में आपको हेल्प कर रही है, भक्ति करने में आपको सहायता दे रही है, सपोर्ट दे रही है, ऐसे कार्य को, ऐसी वस्तु को जीवन में स्वीकार करना और जो चीज भक्ति में बाधा बन रही है, प्रॉब्लम कर रही है, ऐसे कार्यों को, ऐसी वस्तुओं को त्याग देना, ये भक्त का लक्षण है। किसी को, मान लो किसी को पूछा जाए कि भक्त कौन है,
इज डिवोटी। तो भक्त की परिभाषा यह नहीं है कि जो तिलक करता है वो भक्त है, जो कंठी पहनता है वो भक्त है। भक्त की परिभाषा यह है जो भक्ति में अनुकूल वस्तु को स्वीकार करें और प्रतिकूल वस्तु को त्याग दे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रायः अपने प्रवचनों में ये कोट करते हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम्। अनुकूल वस्तु का संकल्प करना और प्रतिकूल वस्तु को त्यागना, ये है शुद्ध भक्त का लक्षण। तो ठाकुर भक्ति विनोद आज के भजन में शुद्ध भक्तों के लक्षण की बात बता रहे हैं और बहुत सुंदर भजन है। आइए इस भजन को हम स्क्रीन पर लाते हैं और फिर इसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। शुद्ध भक्त चरण रे जन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कारमु। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो शुद्ध जो भक्त होते हैं वो अनुकूल वस्तु को स्वीकार करते हैं और प्रतिकूल वस्तु को त्याग देते हैं। तो भक्ति में बहुत सारी अनुकूल वस्तुएं होती हैं जो इस भजन में दिखाया जाएगा, परंतु सभी अनुकूल वस्तुओं में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी वस्तु क्या है, वो इस भजन की पहली लाइन में कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की चरण रेणु, शुद्ध भक्तों के चरणों की रज भक्ति में अनुकूल है। अर्थात हमारी भजन, हमारी भक्ति लड़खड़ा रही है, हमारी भक्ति में कोई दम नहीं है, हम ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और उस भक्ति को हमें बहुत कम समय में आगे बढ़ाना है, हमें बहुत प्रोग्रेस करना है। तो सबसे बड़ी वस्तु है शुद्ध भक्तों के चरणों की रज। शुद्ध भक्तों के चरणों की रज भक्ति में बहुत प्रोग्रेस कराती है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वैष्णव पद भक्त पद रेणु भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्ति में तीन बहुत महान, बहुत बड़े बल है, भक्तों के चरणों का रज, जल और भक्तों का उच्चिष्ट। मैं आपको स्मरण कराऊं, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में जड़ भरत जी की कथा है। सौबीर देश के स्वराष्ट्र के राजा रहुगण जब गंगा सागर जा रहे थे तो मार्ग में जड़ भरत जी मिले और रहुगण को उपदेश देते हुए कहते हैं, रहुगणेत तपसान याति। हे रहुगण, तपस्या करने से भगवान नहीं मिलते हैं, मात्र कोरी तपस्या करने से, मात्र कोरा अपने शरीर को तपाने से, सुखाने से भगवान नहीं मिलेंगे, न छंद सा, न घर छोड़ने से भगवान मिलेंगे, न मात्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से भगवान मिलेंगे, न सन्यास, न ब्रह्मचारी, ये किसी भी चीज से भगवान नहीं मिलेंगे। तो रहुगण ने पूछा, भगवान कैसे मिलेंगे? तब जड़ भरत जी कहते हैं, बिना महत पाद रजोभिषेक। जब तक भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की चरण रज से अपना अभिषेक नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाकर अपने मस्तक को या अपनी भक्ति को, अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। इवन भगवान भी अपने भक्तों के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाते हैं। मैं विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं ये द्वारिका लीला में एक दिन भगवान कृष्ण बीमार हो गए थे और बहुत इलाज किया गया परंतु वह ठीक नहीं हो पाए। तो ब्रज से गोपियों की रज भगवान श्री कृष्ण के चरण मस्तक पर लगाई गई, भगवान ठीक हो गए। कुल मिलाकर जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाने से
हमारी भक्ति नाचने लगती है, हम भक्ति में बहुत प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो अब ये बात शायद आप सब लोग जानते होंगे और आपने सुना भी होगा, लेकिन इस बात का मर्म क्या है? हम लोग स्थूल रूप से कोई शुद्ध भक्त हो और उसके चरण की रज को मस्तक पर लगाए, ये बात तो ठीक है, ये करना चाहिए, लेकिन इसका वास्तविक मर्म क्या है? शुद्ध भक्त के चरणों की रज का अर्थ है शुद्ध भक्तों के मुख से निकला हुआ उपदेश। हम शुद्ध भक्तों के चरणों की रज को मस्तक पर लगाए परंतु शुद्ध भक्तों के मुख से निकले हुए उपदेश को न सुने और शुद्ध भक्त के उपदेश को जीवन में न उतारे तो भक्ति में जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर ठाकुर भक्ति विनोद ने जब कहा कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल है, शुद्ध भक्तों के चरणों की रज भजन में अनुकूल है, इसका अर्थ यह है कि शुद्ध भक्तों के जो उपदेश है, शुद्ध भक्तों की जो शिक्षा है, वो अपने जीवन में उतारना भक्ति में बहुत बड़ा बल है। अब आगे कहते हैं, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कारमु। भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कि भक्तों की सेवा, शुद्ध भक्तों के उपदेश और चरण की रज भक्ति में बहुत प्रोग्रेस कराती हैं। अब सेकंड, भक्तों की सेवा जो है इस संसार में परम सिद्धि है, और भक्तों की सेवा करने से परम सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि भक्त की सेवा प्रेम लति कार मूल है। भक्त की सेवा जो है, भक्ति लता जो है, भक्ति लता का जो उद्देश्य है प्रेम, तो प्रेम रूपी लता का मूल है भक्तों की सेवा। अर्थात भक्तों की सेवा करने से ही हमें भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो भक्त सेवा परम सिद्धि। इस संसार में बहुत बहुत पैसे प्राप्त कर लेना कोई सिद्धि नहीं है, या बहुत मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना कोई सिद्धि नहीं है, या पानी में चलना, हवा में उड़ना, ये कोई सिद्धि नहीं है। ठाकुर भक्ति विनोद के अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ी सिद्धि है भगवान के भक्तों की सेवा करना। इसलिए हमारा भाव होना चाहिए कि हम सदैव भगवान के भक्तों की सेवा करें। मैं मेरी बात करूं तो मैं मेरे मन में 100% मेरे दिलो दिमाग में ये विचार रात दिन घूमते रहते हैं कि साधन तो इतना मजबूत नहीं है, न भजन इतना कर पाते हैं, हमारे जैसे लोगों का उद्धार केवल एक ही वस्तु से हो सकता है और वो है भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा करके ही मेरे जैसे लोग भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ करने की ताकत योग्यता हमारे अंदर नहीं है। तो भक्तों की सेवा करने का भाव रखना चाहिए, यहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा। आगे कहते हैं, माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करी। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि माधव तिथि माने एकादशी को यहाँ पर माधव तिथि कहा गया है। वैसे आज एकादशी है, आज साल की बहुत बड़ी एकादशी है, तो इस एकादशी के अनेक नाम है। एकादशी को हमारी गुजराती भाषा में अग्यारस कहते हैं, एकादशी को हरिवात्सर भी कहा जाता है, और यहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद एकादशी को माधव तिथि कहते हैं, क्योंकि ये तिथि जो है, एकादशी तिथि जो है, भगवान श्री कृष्ण की तिथि है, माधव की तिथि है, इसलिए इसे माधव तिथि कहते हैं। ये एकादशी कैसी है तो कहते हैं भक्ति जननी। एकादशी तिथि भक्ति को जन्म देने वाली है, इसलिए एकादशी व्रत का यत्न पालन करी, बहुत बहुत यत्न करके, मेहनत भी करनी पड़े, थोड़ा सा कष्ट भी भुगतना पड़े, तो एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो आप लोगों ने आज, आप सबके चेहरे मुझे कह रहे हैं, आप सबके चेहरे मुझे बता रहे हैं
कि आज आपने बहुत यत्न किया होगा, ये विष्णु आनंद प्रभु तो बिल्कुल सूख गए हैं, आधे हो गए हैं एक दिन की तपस्या करके। तो मनस्वी कृष्ण प्रभु भी थोड़े आज पतले दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग आज बहुत यत्न किए होंगे। ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा है कि बहुत बहुत यत्न करके भी इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। कष्ट भी हो, तपस्या भी हो, तब भी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है और गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि तपस्या करने से, एकादशी करने से तेज बढ़ता है। वैसे भी हमारे तेज में कुछ रखा नहीं है, है? लोग हमको गिनते भी नहीं है, परंतु एकादशी करने से तेज बढ़ता है। और आप चाहे प्रचार करना चाहो, किसी को कन्विंस करना चाहो, तो इस तेज से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, या भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। तो इस प्रकार यत्न करके भी माधव तिथि, एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति जननी, भक्ति को जन्म देने वाली तिथि है। और कहते हैं, कृष्ण वसति वसति बलि परमे आदरे वरी। एकादशी तिथि में ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि एकादशी तिथि में कृष्ण वसति, भगवान कृष्ण बसे हुए हैं, इस प्रकार का भाव रखना चाहिए। भजन आपको दिखा रहा हूं, कृष्ण वसति वसति बलि परम आदर वरी। एकादशी तिथि में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए, और एकादशी तिथि को परम आदर देना चाहिए। तो इस प्रकार भजन के बाद हम एकादशी की महिमा को सुनेंगे, लेकिन ये भक्ति में अनुकूल तत्व है एकादशी व्रत का पालन करना। और आज निर्जल एकादशी है, इसी निर्जल पांडव एकादशी का पालन करके निश्चित हमारी भक्ति में प्रोग्रेस हो सकता है। आगे कहते हैं, गोर आमार ये सब स्थान कल करल ब्राह्मण रंग से सब स्थान फेरी बे आमी प्रणयी भकत संग। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि ठीक आ गई, गौर अमार ये सब स्थान है करल भ्रमण रंग है। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जिस स्थान पर लीला किए हैं, जिस जिस स्थान पर वे भ्रमण किए हैं, अर्थात भगवान की जो लीला भूमि है, मायापुर, वृंदावन, द्वारिका, जहां पर भगवान ने अपनी लीला की है, तो ऐसी लीला के स्थान पर मैं भ्रमण करूंगा। और से सब स्थान हेरी बे आमी प्रणयी भगत संगे, मैं मायापुर जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, गोकुल मथुरा जाऊंगा, द्वारिका जाऊंगा, और वहां पर जहां जहां भगवान ने भ्रमण किया है वहां वहां पर मैं भ्रमण करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। कहते हैं प्रणयी भक्त संगे, मैं भक्तों के साथ जाऊंगा। ठाकुर भक्ति विनोद ये भी हमें बता रहे हैं कि जब भी हम भगवान के धाम में जाते हैं तो अकेले नहीं जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए। और भक्तों के संग में वरिष्ठ जन, गुरुजन साथ में हो तब तो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। आगे कहते हैं, मृदंग वाद्य टुनिते मन अवसर सदा याचे, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। और जब मैं मृदंग सुनता हूं और जब हम चैतन्य महाप्रभु के धारा में गौड़ीय भजन, गौड़ीय गौड़ीय कीर्तन सुनता हूं, तो मेरा मन आनंद में नाचने लगता है। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हय। वे कहते हैं कि युगल मूर्ति को देखकर मेरे मन में परम आनंद होता है। और प्रसाद सेवा करीते हय, और भगवान का शुद्ध प्रसाद खाकर सकल प्रपंच जय, मैं सभी प्रपंचों के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा, मैं सभी दोषों से मुक्त हो जाऊंगा।
ये दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि जिस दिन मैं किसी के घर पर भजन होते हुए देखता हूं तो वह घर का माहौल गोलोक के समान बन जाता है, मतलब वैकुंठ गोलोक वृंदावन के समान बन जाता है। चरण सिंधु देखी या गंगा सुख न सीमा पाए। और माँ गंगा को देखकर हे कृष्ण मुझे आपका स्मरण हो आता है और मेरे मन की मेरे सुख की कोई सीमा नहीं रहती है। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषिणी जानी। हे प्रभु जब मैं तुलसी को देखता हूं तो तुरंत मेरे मन में ये भाव होता है कि ये माधव तोषिणी ये कृष्ण को आपको प्रसन्न करने वाली है। तो ये तुलसी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है यह सोचकर मेरे हृदय में बड़ा आनंद होता है। और गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। और चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शाक का सेवन करके मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ। अंत में कहते हैं भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कर ये ताहा। ठाकुर भक्ति विनोद ऐसा कहते हैं कि कृष्ण के भजन में जो अनुकूल है उस अनुकूल वस्तु को मैं स्वीकार करता हूँ और प्रतिकूल वस्तु का त्याग करता हूँ। इस प्रकार इस आज के भजन में ठाकुर भक्ति विनोद के द्वारा ये बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किया गया। इसे हमें बार बार गाना चाहिए, समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर भजन समाप्त करते हैं। इस भजन में यदि किसी के कोई प्रश्न होंगे तो वे बाद में पूछ सकते हैं, प्रश्न को याद रखिएगा। आइए हम आज के प्रवचन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज पवित्र पांडव निर्जला एकादशी है और पता नहीं आप सब लोग निर्जला रहे हैं और इस निर्जल अवस्था में आप लोग मेरे प्रवचन को ठीक से सुन रहे होंगे या नहीं, क्योंकि अक्सर निर्जला करते हैं तो शाम को 8, 8:30, 9 बजते हैं तो चक्कर आने लगते हैं। कोई बोलता भी है तो उस पर गुस्सा आता है कि ये कब बंद करेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसी आशा रख रहा हूँ। तो क्योंकि आज हमारे यहाँ तो एकादशी अब शुरू हुई है, हम तो फ्रेश मूड में बैठे हैं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन एकादशी की बड़ी महिमा है और हम लोग बार बार एकादशी की महिमा सुनते हैं क्योंकि आज ये काउंसिल सेशन है और आप लोग अनेकों जगह पर प्रचार करते हो, आप सब लोग लीडर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि टेक्निकली शास्त्रों में अनेकों पुराणों के अनुसार एकादशी की क्या क्या महिमा है मैं आपके सामने उस रेफरेंस को श्लोक को रखूंगा ताकि आप उसे नोट कर सकें, इसे समझ सकें और एकादशी के को पालन करने का उत्साह बढ़ा सकें और दूसरों को उत्साह दे सकें। इसलिए मैं आपके सामने एकादशी की अनेकों प्रकार की महिमा और उनका जो प्रमाण है रखूंगा और इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे प्रमाण हैं इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं केवल अनुवाद मात्र करूँगा, आप उसे नोट करते जाइए। चलो स्वागत करते हैं अमी अनिमाय प्रभु का जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। अमी अनिमाय प्रभु आप बेल्जियम से आ गए, ठीक है, तो आपको शुभकामना पांडव एकादशी की। आइए एकादशी की महिमा हम समझने का प्रयास करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर हम रखते हैं। हरि भक्ति विलास में एकादशी की महिमा को बताते हुए कहते हैं नमो भगवते तस्मे यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्व भीष्टा प्रदान नृणाम। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, मैं उस एकादशी को प्रणाम करता हूँ जो एकादशी तिथि यस्य प्रियतमा, तीन शब्द शास्त्र में है प्रिय प्रियतर और प्रियतम। ये एकादशी तिथि जो है भगवान श्री कृष्ण को प्रिय नहीं है, प्रियतर भी नहीं है। कहते हैं यस प्रियतमा, यह एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को प्रियतम है।
माने बहुत 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 प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को एकादशी तिथि। और यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो कहते हैं सर्व अभीष्ट प्रदान निर्णाम, उस मनुष्य की, उस भक्त की सारी मनोकामना अभीष्ट, सारी लालसा, सारी कामना पूर्ण हो जाती है। तो एकादशी तिथि जो है भगवान को प्रिय है, प्रिय ही नहीं प्रियतर नहीं, एकादशी तिथि भगवान को प्रियतम है। और इस एकादशी व्रत का पालन करने से हमारी सारी मनोकामना लालसा पूर्ण हो जाती है, ऐसा हरि भक्ति विलास में लिखा है। आगे मत्स्य पुराण में एकादशी के बारे में, मत्स्य पुराण में ऐसा कहा गया है, एकादश्याम निराहारो यो भुक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्णे तद व्रतम वैष्णवम महत। एकादश्याम निराहारो, ये बहुत अच्छा होगा, ऐसा मत्स्य पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन निराहार, एकादशी के दिन निराहार रहने से अर्थात आहार नहीं खाने से, अर्थात एकादशी के दिन निर्जल उपवास करने से शुक्ले वा यदि वा कृष्ण, चाहे शुक्ल पक्ष में हो, चाहे कृष्ण पक्ष में हो, चाहे किसी भी पक्ष में एकादशी हो, परंतु एकादशी के दिन यदि हम निराहार रहते हैं तो वैष्णवों के लिए ये सबसे बड़ा व्रत माना गया है, मत्स्य पुराण में ऐसा कहा गया है। अग्नि पुराण में ऐसा कहते हैं, एकादश्याम न भुंजित व्रतम एतत ही वैष्णवम। अग्नि पुराण में कहते हैं कि जो वैष्णव है, जो विष्णु की, कृष्ण की, राम की उपासना करते हैं, उसे जीवन में कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादश्याम न भुंजित, अर्थात जो वैष्णव है उसे कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। एकादशी के व्रत की महिमा जहां पद्म पुराण में है, उस पद्म पुराण में स्वयं भगवान ने ऐसा कहा है, जब उस मूर के साथ युद्ध हुआ और भगवान रणभूमि को छोड़कर भाग गए, और भगवान की उस शक्ति एकादशी ने मूर का वध किया, और मूर वध करने जा रही थी, मूर शरणागत हो गया, तब भगवान ने वरदान देते हुए कहा कि मूर आज के बाद तुम एकादशी के दिन अन्न में वास करोगे, और इसलिए एकादशी के दिन अन्न में आसुरी शक्ति का वास होता है, और इसीलिए एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित है। इसलिए अग्नि पुराण में लिखा है एकादश्याम न भुंजित व्रतम एतत हि वैष्णव, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। बृहन्नारदीय उपनिषद, एक उपनिषद है बृहन्नारदीय उपनिषद, जिसमें लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चैव योषिताम मोक्षदम कुर्वताम भक्त्या विष्णु प्रियतरम द्विजा। कहते हैं चाहे ब्राह्मण हो, ये बृहन्नारदीय उपनिषद का श्लोक है, कहते हैं चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या विषम या वैश्य हो, या शूद्र हो, इतना ही नहीं योषिताम, चाहे स्त्री हो, कोई भी वो हो, यदि एकादशी व्रत का पालन करता है तो मोक्षदम, ये एकादशी तिथि मोक्ष को देने वाली है। तो चाहे किसी भी वर्ण, किसी भी जाति या किसी भी अवस्था का व्यक्ति यदि एकादशी व्रत का पालन करता है तो वह मोक्ष, वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा बृहन्नारदीय उपनिषद में वेदव्यास मुनि ने लिखा है। आगे विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति में कहते हैं एकादश्याम न भुंजित कदाचित अपि मानव, जो मनुष्य है उसे एकादशी के दिन कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे शब्दों में विष्णु स्मृति का ऐसा कहना है एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो मनुष्य नहीं, वो पशु माना गया है। आगे स्कंद पुराण प्रसिद्ध पुराण है, मैं बार बार इस श्लोक को कथाओं में कोट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये स्कंद पुराण का श्लोक है। कहते हैं मातृहा, मातृहा माने मातृ माने मां, हा माने वध कर देना, जान से मार देना, मातृहा माने
माता को जान से मार देना, पितृहा अर्थात पितृ को जान से मार देना, अपने पिता को जान से मार देना, भातृहा अपने भाई को जान से मार देना, गुरुहा तलवार लेकर अपने गुरु को जान से मार देना। तो कहते हैं मातृहा अपनी मां को जान से मारना, पितृहा अपने पिता को जान से मार देना, बंधुहा अपने मित्र को जान से मारना और गुरुहा अपने गुरु को जान से मारना। इन चारों प्रकार के लोगों को जान से मारकर जितना पाप लगता है उतना पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। अतः एकादशी के दिन अन्न कतई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाने से माता को, पिता को, भाई को और गुरु को मारने का जो पाप है वो पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सदैव अन्न वर्जित है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। तो ये स्कंद पुराण का ज्वलंत प्रमाण है कि एकादशी के दिन अन्न न खाए। अब आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है, स केवलम अघम भुंगते यो भुक्ते हरिवात्सर। स केवलम अघम भुक्ते, अघम माने पाप और भुंगते माने खाना, स माने वो व्यक्ति केवल मात्र पाप खा रहा है, वो व्यक्ति मात्र पाप खा रहा है जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है। तो वो स केवलम अघम भुंगते यो भुक्ते हरिवात्सर, वो व्यक्ति मात्र पाप खा रहा है जो हरिवात्सर, जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है। एकादशी के दिन अन्न खाने वाला मात्र पाप खा रहा है, और इतना ही नहीं, दिनेत्र सर्व पापानि भवन्ति अन्य स्थानानितु। कहते हैं तानी मोहेन योस्नानी नस पापे विमुच्यते। एकादशी के दिन अन्न खाने वाला मात्र पाप खा रहा है और वह व्यक्ति उस पाप से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता जो एकादशी के दिन अन्न खाते हैं। ऐसे लिखते हैं नस पापे विमुच्यते, वो पाप से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता जो एकादशी के दिन अन्न खाता है और जिससे इतना पाप लगता है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये प्रमाण है। तो मत्स्य पुराण, बृहन्नारदीय उपनिषद, विष्णु धर्मतर, ये सब का प्रमाण यहाँ पर दिया जा रहा है। विष्णु धर्मतर में लिखा है ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो वायति एकादश्याम ही भुंजानो भुंगते गोमांस एव ही। ये तो भयंकर बात है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, या चाहे कोई भी क्यों न हो, यदि एकादशी के दिन अन्न खाता है तो वह गोमांस, वो गाय का मांस खा रहा है। ऐसा विष्णु धर्म तरह श्री वेदव्यास मुनि ने इस शास्त्र में प्रमाण देते हुए कहा है कि एकादश्याम ही भुंजानो, एकादशी के दिन जो अन्न खाता है तो भुंगते गोमांस एव ही, वो गाय का मांस खा रहा है। इसलिए कुल मिलाकर इस इन प्रमाणों के अनुसार हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें दूसरों को ये बताना चाहिए कि एकादशी के दिन कतः कभी भी हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाने से गाय का मांस खाने के बराबर पाप लगता है। आगे कहते हैं एक एव नरह पापी नर के नृप गच्छति एकादशी अन्न भोजी यह पितृ सह मज्जति। कितनी सुंदर बात है। कहते हैं जो पाप करता है वो तो अकेला नरक में जाता है, एक एव माने अकेला ही आदमी नरक में जाता है जो पाप करता है। ठीक है, जो पाप करता है वो व्यक्ति अकेला नरक में जाता है, लेकिन जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो अकेला नहीं, वो अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे समाज को,
अपने पूरे कुटुंब को लेकर नरक को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन जो अन्न का भोजन करता है, यह वो पितृ भी सह मज्जति, वो अपने सारे पितरों को साथ लेकर, अपने सभी पितरों के साथ नरक को प्राप्त करता है। इसलिए एटलीस्ट अपने लिए तो नहीं, परंतु अपने पितरों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें एकादशी व्रत का पालन करके एकादशी के दिन अन्न को खाना त्याग देना चाहिए। आइए, हमारे साथ हरिपरायण प्रभु हरेश डोंडा भी आए हैं। हरेश डोंडा जुड़े हैं, स्वागतम। आगे पद्म पुराण उत्तरखंड शिव पार्वती संवाद। पद्म पुराण के उत्तरखंड में शिव और पार्वती के संवाद में यह श्लोक आया है। इस श्लोक में शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, वर्णानाम आश्रनामाश्च त्रिनाश्च वर वर्णिनि एकादश्यु उपवासस्तु कर्तव्यो न अत्र संचय। देखिए, ये शिव जी का वचन है, ये देवाधिदेव महादेव का वचन है। शिव जी अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, इसमें कोई संशय नहीं है कि एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। शिव जी भी वैष्णवा नाम यथा शंभु, समस्त वैष्णवों के शिरमोर देवाधिदेव महादेव है, और शिव जी भी प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करते हैं। जब शिव जी एकादशी का पालन करते हैं तो हम और आपको तो निश्चित करना चाहिए। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं कि निश्चित ही पार्वती, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे महाभारत। महाभारत में लिखा गया है कि एकादशी कैसे करें। महाभारत में 100,000 श्लोक है, उस 100,000 श्लोक में ये लिखा गया है कि एकादशी व्रत का पालन हमें कैसे करना चाहिए। इस श्लोक में कहते हैं, अष्टे तानि व्रत ज्ञानि आपो मूलम फलम पय हवि ब्राह्मण काम्याच गुरु वचनम औषधम। अष्टे तानि व्रत ज्ञानानि, कहते हैं एकादशी के दिन 8 वस्तु का पालन करना चाहिए। देखिए, ये बहुत सुंदर बात है, ये हमारे लिए समझने वाली बात है। कई बार हम भक्त भी कंफ्यूज होते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाए क्या ना खाए। महाभारत में बिल्कुल क्लियर इस श्लोक में कहा गया है एकादशी के दिन कितनी वस्तु खानी चाहिए। एकादशी के दिन 8 वस्तु, एकादशी के दिन 8 चीज ग्रहण करने का विधान है। ये 8 को आप ध्यान से सुनिए, मैं श्लोक के अनुसार आपको बताऊंगा। इस श्लोक में लिखा है, अष्टेतानी, अष्टेतानी माने 8 व्रत ज्ञानानी, इस व्रत में 8 वस्तु खानी चाहिए। सबसे पहले आपो, एकादशी के दिन आप, इसका अर्थ आज के दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो निर्जल एकादशी है, आज तो किसी को कुछ नहीं खाना है, केवल हवा खानी है, है? लेकिन नॉर्मल एकादशी के दिन 8 चीज लेनी चाहिए। एक है आप माने जल, एकादशी के दिन आप जल ले सकते हो, एक। दूसरा है मूलम, एकादशी के दिन आप कंदमूल खा सकते हो, जैसे गाजर, जैसे आलू, इसे मूल कहा गया है। जैसे क्या हम खाते हैं उसको, क्या कहते हैं वो, एक होता है ना सब्जी बनती है जिसकी, खैर मैं भूल रहा हूं, हम तो खाना जानते हैं, ये बनाना और खरीदना और ये नाम नहीं जानते हैं, खैर, लेकिन जो मूल है उसे हम खा सकते हैं। तो आप जल पी सकते हैं, मूल खा सकते हैं। तीसरी चीज है फलम, एकादशी के दिन हम फल खा सकते हैं। तो जल पी सकते हैं, मूल खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। आगे हैं पय, पय माने दूध, एकादशी के दिन
पहिया, हम दूध पी सकते हैं या दूध की बनी हुई कोई भी वस्तु हम खा सकते हैं, ऐसा महाभारत में लिखा है, महाभारत का ये प्रमाण है दूध। ओके, चार वस्तु हो गई। अब पांचवी है हवी। हवी माने घी। एकादशी के दिन हम घी ले सकते हैं, एकादशी के दिन हम घी खा सकते हैं। ब्राह्मण काम्या अर्थात ब्राह्मणों के लिए यज्ञ में जिस घी का इस्तेमाल किया जाता है उस घी को हम खा सकते हैं। कितनी वस्तु हुई? पांच। आप माने जल, मूल माने आलू गाजर इत्यादि, तीसरी है फल, फल माने कोई भी फल आप फ्रूट्स, चौथा है पई, पई माने दूध या दूध की बनी हुई कोई भी वस्तु, पांचवा है हवी, हवी माने घी जो ब्राह्मणों को काम में आता है। पांच वस्तु हो गई। अब छठी वस्तु है एकादशी के दिन गुरु। एकादशी के दिन गुरु को खा सकते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर गुरु लिखा है इसका अर्थ है एकादशी के दिन हम गुरु का संग कर सकते हैं, एकादशी के दिन गुरु के साथ बैठ सकते हैं, गुरु के सानिध्य में बैठ सकते हैं, गुरु के साथ बैठकर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। इतना हुआ, छह हुआ ना, छह गुरु। अब सातवां है वचनम। एकादशी के दिन गुरु के मुख से निकले हुए वचन को हम खा सकते हैं, खाना ही है ना, आप लोग निर्जला रहे हो ना, तो मैं आपको खिलाता हूं, क्या खिलाता हूं, गुरु के मुख से निकले हुए वचन एकादशी के दिन ये खा सकते हैं, गुरु के मुख से निकले हुए वचन हम खा सकते हैं अर्थात सुन सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। सात हुए। और आठवां है औषधम। एकादशी के दिन आप औषधि ले सकते हैं। कई बार कुछ लोग एकादशी के दिन बीमार पड़ जाते हैं, या कुछ लोग कई दिनों से बीमार हैं और एकादशी का दिन आ चुका है, तो कभी कभी जब कोई रोगी होता है, कोई बीमार होता है, बुखार होता है और एकादशी का दिन चल रहा है और उस समय उसको दवाई लेनी है और दवाई में ऐसी वस्तु है, कुछ अन्न है या कुछ ऐसी वस्तु है जिससे एकादशी टूट जाएगी, तो महाभारत में वेदव्यास मुनि ने ये छूट दी है, ये एज अ मेडिसिन, एज अ औषधि, एज अ दवाई, अपने शरीर को टिकाए रखने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए यदि बहुत जरूरत हो तो आप औषधि ले सकते हैं, या औषधि के रूप में कुछ अन्न या कुछ वस्तु ले सकते हैं यदि प्राण संकट में आ गए हो तो, अन्यथा एकादशी के दिन यह नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर लिखा है औषधम, एकादशी के दिन आठवीं वस्तु है औषधि, आप औषधि ले सकते हैं यदि आपके शरीर में प्रॉब्लम है। तो महाभारत के श्लोक में एकादशी के दिन आठ वस्तु ग्रहण कर सकते हैं यह बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है, जल, मूल, फल, दूध, घी, गुरु का संग, वचनम गुरु के मुख से उपदेश, और औषधम और औषधि। इस प्रकार से एकादशी की महिमा बताई गई। भविष्य पुराण, भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है, एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने नस दुर्गति आपनोति नरकाणि न पश्यति। कहते हैं एकादशी के दिन जो व्यक्ति निराहार रहता है, एकादशी के दिन जो व्यक्ति भोजन नहीं करता है, और एकादशी के दिन भोजन न करके जो द्वादशी के दिन पारण करता है और भोजन करता है, वह व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता है, उस व्यक्ति को कभी भी नरक नहीं देखना पड़ता है जो एकादशी व्रत का पालन करता है, उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है। कुछ लोगों की जीते जी दुर्गति होती है, लेकिन एकादशी व्रत का पालन करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती, नहीं होगी, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण की बात है। तो देखिए कितने सारे शास्त्र के प्रमाण, गरुड़े, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, जब आदमी मर जाता है तो उसके पीछे गरुड़ पुराण बिठाते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा है, एकादशी व्रतम भक्त्या यह करोति नरह सदा स विष्णु लोकम व्रजति याति विष्णु स्वरूपताम। बहुत सुंदर बात है, एकादशी व्रतम भक्त्या यह करोति नरह सदा, सदा या अर्थात अपने पूरे जीवन में जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है,
निश्चित स विष्णु लोकम व्रजति, वो सीधे विष्णु प्राप्त करता विष्णु स्वरूपताम, और भगवान विष्णु के लोक में जाकर उसे सारूप्य रूप मुक्ति प्राप्त होती है, वो भगवान की तरह रूपवान सुंदर ऐश्वर्यवान बन जाता है, भगवान के लोक को प्राप्त कर जाता है। जो नर जो मनुष्य सदा निरंतर एकादशी व्रत का पालन करता है। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण में ये एकादशी की महिमा बताई, विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया, यह करोति नरो भक्त एकादश्याम उपोषणम स याति विष्णु सालोक्यम प्राप्य विष्णु स्वरूपतम। तो विष्णु पुराण में भी ये कहा गया, एकादशी व्रत रहने वाला व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त करता है और भगवान की तरह बन जाता है, विष्णु पुराण में ऐसा कहते हैं। एकादशी व्रत रखने की क्या आवश्यकता है, एकादशी व्रत क्यों रखना चाहिए? तो यहाँ पर बहुत सुंदर कहा गया है, मातेव सर्व बालानाम, कहते हैं जैसे छोटे छोटे बालकों को माँ की आवश्यकता होती है। आप सब पिता हो, आप सबको पता है कि जैसे बालक माँ के अलावा नहीं रह सकता, तो मातेव सर्व बालानाम, जैसे बाल छोटे छोटे बालक को माँ की आवश्यकता होती है, औषधम रोगी नाम इव, और रोगियों को जैसे औषधि की आवश्यकता होती है, तो रक्षार्थ स्वर लोकानाम, इस सभी लोक में रहने वाले लोगों को अपनी रक्षा के लिए निर्मिते एकादशी तिथि, उसे एकादशी की आवश्यकता है। जैसे माँ को बच्चे की आवश्यकता है, जैसे रोगी को औषधि की आवश्यकता है, और इस संसार में वैसे ही जैसे लोगों को अपनी रक्षा के लिए एकादशी की आवश्यकता होती है, एकादशी की आवश्यकता, एकादशी रहने से रक्षार्थ संसार में रहने वाले लोगों की रक्षा होती है। ये एकादशी व्रत कौन रहते हैं? जो बुद्धिमान है। एकादशी व्रत जो है ये बुद्धिमानों का व्रत है। मेरे सामने एटलीस्ट जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोग एकादशी व्रत का पालन किए हैं, ये एकादशी रखकर आपने ये साबित कर लिया है कि आप सब बुद्धिमान हैं, क्योंकि ये बुद्धिमानों का व्रत है। शास्त्र के इस श्लोक में लिखा है, नाना दुखम आकिरणे संसारे नर मज्जति एकादशी उपवासी च स धन्य सच बुद्धिमान। एकादशी रहने वाला धन्य है और सच बुद्धिमान, और वो बुद्धिमान है। आगे कहते हैं, एकादशी सुख का मार्ग है, संसार सर्प दृष्टा नाम नराणाम पाप कर्मणाम एकादशी उपवासेन सत्य एवं सुखम भवेत। एकादशी रहने वाला सत्य तुरंत ही सुखी हो जाता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया। एकादशी रहने से पापों से मुक्ति होती है, इसका प्रमाण है, तावद पापानि देहेस्मिन तिष्ठन्ति मनुजाधिपः यावन्नो उप सेवे जंतु पद्म नाम अधितम शुभम। हमारे हृदय में पाप तब तक रहेंगे जब तक हम लोग एकादशी व्रत का पालन नहीं करेंगे। एकादशी व्रत का पालन करने से हमारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। सभी यज्ञों में श्रेष्ठ एकादशी है, ऐसा कहा गया है, अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च एकादशी उपवासस्य कलाम ना हरहन्ति षोडशीम। चाहे अश्वमेघ यज्ञ करो, वाजपेय यज्ञ करो, चाहे कितना भी यज्ञ करो, परंतु एकादशी व्रत रहने से जो फल मिलता है वह सारे यज्ञ रहने से भी नहीं मिलता है। एकत कर्तव्ये सर्वे सर्व तीर्थानि तपांसि च महादानानि दत्तानि व्रतम वैष्णवम एकत। चाहे सभी तीर्थों में वास करने से जो फल मिलता है, सभी तपस्या करने से जो फल मिलता है, और महादानानी बहुत बहुत दान करके जो फल मिलता है, वो सारा फल एकमात्र एकादशी व्रत रहने से मिल जाता है। यह है एकादशी की महिमा। एकादशी रहने से आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है, भौतिक लाभ भी मिलता है। उपोषणम तत्कुर्यात पक्षयो रूप योरपि एकादश्याम सपुरुषो भुक्ति भुक्ते कभाजनम। कहते हैं इस एकादशी व्रत का पालन करने से भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों सुख प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार से एकादशी की महिमा अनेक अनेक शास्त्रों में बताई गई है और अनेक शास्त्रों के द्वारा हम मानव समाज को ये बताया जा रहा है कि निश्चित आप एकादशी व्रत का पालन करें। और हमारे भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु तो भीख मांगते हुए कहते हैं कि आप एकादशी व्रत का पालन कीजिए। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु 5 साल के थे तो सुबह जग कर दोनों हाथ जोड़कर माता शची के चरणों में गिरे और निवेदन करने लगे। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, एक दिन माता पढ़े करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता देह एकदा। एक दिन माता पदे करिया प्रणाम, एक दिन माता के चरणों में झुक कर प्रणाम किया और प्रभु कहे। यहां पर प्रभु का अर्थ कहते हैं तीनों लोक के स्वामी हैं। अपनी एक एक आंखों आंख को तिरछी करे अपनी भौं तरेरने से ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड गिर जाते हैं। तो ऐसे प्रभु अपनी माँ शची के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे माँ आज मैं आपसे एक दान चाहता हूं, मैं आपसे दान चाहता हूं। तो माता ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, अब दान मांगने की क्या जरूरत, बोलो क्या चाहिए। माता बले ताई दिब या तुम ही मांगी बो। माँ शची कहती है कि बेटा तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, बोलो क्या चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे एकादशी अन्न ना खाई। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माँ बस मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि एकादशी के दिन आप अन्न मत खाइए, एकादशी के दिन आप अन्न ग्रहण मत कीजिए। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपनी माता को माध्यम बनाकर भक्तों से भीख मांगते हैं कि आप एकादशी व्रत का पालन मत कीजिए। इस प्रकार एकादशी की ये बहुत बहुत महिमा है। तब शची कहती है, शची कहे ना खाइब भालये कहिला। निमाई ये तुमने बहुत अच्छा कहा, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, तो आज के बाद मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। सही है ते एकादशी करी ते लागेला। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन उपवास रहने की महिमा है। उपवास किसे कहते हैं, उपवास की डेफिनेशन क्या है? तो कहते हैं, उपावृत्यस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणे सह उपवास सविज्ञेय सर्व भोग विवर्जित। हम ये जो बार बार हमारे जीवन में उपवास उपवास बोलते हैं, उपवास का मीनिंग क्या है? कहते हैं उपवृत्तस्य पापेभ्यो, उपवृत्तस्य पापेभ्यो, सभी पापों से दूर रहना और यस्तु वासो गुणे सह और सभी गुणों में वास करना, पापों से दूर रहना, गुणों में वास करना, उपवास सविज्ञेय सर्व भोग विवर्जित और सभी भोगों से दूर रहना, इसे उपवास कहते हैं। अर्थात एकादशी के दिन उपवास रहने की महिमा है। तो इस डेफिनेशन में ऐसा कहा गया है, पापों से दूर रहना और उप माने निकट, वास माने बैठना, भक्त भगवान भक्ति हरि नाम से निकट रहना, ये है उपवास। तो एकादशी के दिन ये उपवास करने की महिमा है। तो इस प्रकार एकादशी की महिमा शास्त्र में अनेक अनेक जगहों पर बताई गई है। राजा रुक्मांगद की कथा में वह देवी उर्वशी इस पृथ्वी लोक पर आई, बैंगन के पौधे के कांटे में उनकी साड़ी फंस गई और उनका सारा पुण्य क्षीण हो गया, अब उसको स्वर्ग में कैसे भेजे। तो एक महिला ऐसी थी, एकादशी के दिन उनके स्वामी ने घर से निकाल दिया था, न खाया न पिया न भोजन किया, और उसने अनजाने में एकादशी के दिन निर्जल व्रत का पालन किया और वह निर्जल व्रत का फल उर्वशी को देने पर उर्वशी स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गई। एक एकादशी रहने का फल है कि व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है। अनजाने में एक एकादशी यदि कोई रहता है वो स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। तो जानकर भाव से प्रेम से यदि कोई एकादशी व्रत रहता है
उसे वैकुंठ क्यों नहीं मिलेगा, भगवान का धाम, भगवान की भक्ति क्यों नहीं मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज एकादशी है, निर्जल एकादशी है। जब इस प्रकार से वेदव्यास मुनि ने एकादशी की महिमा सुनाई ना, तो बाकी सब तो खुश हो गए, लेकिन भीम जो थे पसीने से लथपथ हो गए। इतनी ठंड में भी पसीने से लथपथ हो गए और सब लोग खड़े होकर चले गए और भीम वेदव्यास जी के चरणों में गिरे, महाराज आपने एकादशी की महिमा तो बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन मैं तो आज तक एकादशी नहीं रहा, अब क्या होगा मेरा। तो वेदव्यास मुनि ने कहा कि कल जो एकादशी है, मतलब आज आपने जो रही, ये साल की बहुत बड़ी एकादशी है, इस एकादशी के दिन यदि आप निर्जला व्रत करोगे तो आपको साल की सारी एकादशी व्रत रहने का फल मिल जाएगा। तो आज के दिन अति भोजी है, भगवद गीता में जिनका नाम है वृकोदर, खाने में बहुत एक्सपर्ट, ऐसे वृकोदर अति भोजी भीम भी आज के दिन निर्जला उपवास एकादशी किए थे। और आज के दिन एकादशी व्रत रहने से साल की 24 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो आज की एकादशी की ये महिमा है, तो आज मैंने आपके बीच में ये एकादशी महिमा बताई। मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं, एकादशी के दिन हम सब लोग मिलकर रात भर कीर्तन किया करते थे, क्योंकि पूरे दिन खाया नहीं इसलिए नींद तो आती नहीं है। अमीर निमाय प्रभु के घर पर कई साल तक हम लोग एकादशी के दिन भर कथा करते हैं और रात भर कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी आप सब लोग साथ में मिलकर इस प्रकार से आज कर रहे हो, बहुत सुंदर बात है। तो एकादशी की महिमा आपके बीच में, समय हो चुका है, अब आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस, पवित्र पूजा माता जी, आपका माइक ऑन कीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछिए। यस हरे कृष्ण। मुझे एकादशी के दिन ना हम लोग अन्न खाते हैं और ना किसी को खिलाते हैं, तो उसी दिन गौ माता को हम लोग अन्न खिला सकते हैं क्या, गौ सेवा में जो हम लोग? हाँ, जैसे इस, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, ठीक है। जैसे यहाँ पर श्लोक में आपने बार बार सुना होगा, एकादशी तु भुंजान कश्चित अपि मानवा मानवा, बार बार मानव 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 शब्द आया है ना, आपने सुना होगा। तो ये एकादशी व्रत मनुष्यों के लिए है, गाय के लिए नहीं है, इसलिए मैंने आज आपको ये बहुत सारे प्रमाण बताए, इसलिए मैंने आपको आज ये सारे श्लोक बताए ताकि आपको ये पता चले। तो ये प्रश्न बहुत सुंदर है कि एकादशी के दिन गाय को हम अन्न खिला सकते हैं कि नहीं। हाँ, खिला सकते हैं, एकादशी के दिन गाय को भी अन्न खिला सकते हैं और भगवान को भी खिला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एकादशी रहते हैं तो हम हमारे भगवान को भी एकादशी रखवाते हैं, ऐसा नहीं है। एकादशी भगवान के लिए नहीं है, भगवान तो खूब भोग खाते हैं, एकादशी हम सब भक्तों के लिए है, साधकों के लिए है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। माइक ऑफ कर दीजिएगा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। यस मनस्वी कृष्ण। अगर हम समझ लीजिए कि जगन्नाथपुरी में है और उस दिन एकादशी आ गई, तो एकादशी में जगन्नाथपुरी में तो भोग भगवान को अन्न का चढ़ता है, तो हम खा सकते या नहीं खा सकते उस दिन? बहुत सुंदर प्रश्न है और हम भक्त तो लोग ढूंढते ही रहते हैं कि कोई 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 रास्ता मिल जाए, कोई गेप मिल जाए, है थोड़ा बहुत चांस मिल जाए तो हम भी खा लेंगे। तो यदि ऐसा होता तो मैं हर निर्जला, भले 5,000 रुपया फ्लाइट का टिकट होता, लेकिन मैं हर एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी पहुंच जाता और खा पी कर फिर वापस आ जाता। जैसे आप पूनम भरने जाते हैं, वैसे मैं एकादशी भरने चला जाता
जगन्नाथपुरी में। तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपकी, बहुत अच्छी जिज्ञासा है कि जगन्नाथपुरी में वहां के लोग एकादशी नहीं रहते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन उन लोगों का भाव यह है, वे सब ब्रजवासी हैं, वे सब धामवासी हैं, वे सब भगवान के पार्षद हैं और वो सब सिद्ध भक्त संत हैं। वो लोग एकादशी के दिन अन्न न खाए, ये उनकी महिमा है, हमें उनकी दोष दृष्टि नहीं देखनी चाहिए, लेकिन हमें हमारी स्थिति समझनी चाहिए कि हम न तो धामवासी हैं, हम न तो धाम में रहते हैं, इसलिए हम यदि वहां पर गए भी हैं जगन्नाथपुरी में और वहां पर यदि एकादशी भी है तो हमें हमारा अरेंजमेंट कर लेना चाहिए कहीं भी। आज तो दुनिया इतनी आगे निकल गई है कि आप तो कहीं से भी फल फूल दूध की आइटम या फराल खा सकते हैं, है ना। तो भले आप जगन्नाथपुरी में भी हैं, ये हमारे जैसे साधकों की बात कर रहा हूँ, हम सब साधक हैं, जगन्नाथपुरी के लोग नहीं एकादशी करते हैं लेकिन हमें करनी चाहिए, ठीक है। और कोई प्रश्न है? मनमोहन प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, एकादशी का हम जो कभी सामान लाते हैं जो पदार्थ बनाने के लिए, तो उसमें कभी मिलावट आ जाती है, तो हमें बाद में मालूम पड़ा कि उसमें मिक्स होता है, तो भी वो सब आके हमने जो की एकादशी को व्रत का पालन नहीं हुआ है हमसे। बहुत सुंदर, आपका माइक ऑफ कर दीजिए। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, और आपका प्रश्न ये आज के रिलेटेड है, आज के दिन से रिलेटेड है। आपका ये प्रश्न है कि एकादशी के, हम बहुत सारी एकादशी रहे हैं और एकादशी के समय हम बाहर से कुछ वस्तु लाते हैं और खाते हैं, तो अभी हमको पता चल रहा है कि हम जो लाते थे आटा, एकादशी का आटा या कुछ भी, तो उसमें अन्न था, तो अब क्या होगा? अब वो तो निकाला जा नहीं सकता है, वो तो हमने इतने सालों से खाया है तो वो तो निकाला नहीं जा सकता, लेकिन इसी के लिए ये निर्जल एकादशी रहा जाता है। जैसे भीम अन्य एकादशी नहीं रहा था, लेकिन आज की एकादशी रहकर, निर्जल एकादशी रहकर सभी एकादशियों का फल मिल गया। तो इस पांडव एकादशी, भीम एकादशी निर्जला इसलिए हम लोग रहते हैं ताकि अन्य एकादशियों में कुछ चूक हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, जाने अनजाने में उस एकादशी छूट गई हो, तो आज यदि निर्जल एकादशी रहते हैं तो अन्य एकादशी में जो गलती हो गई वो माफ हो जाती है और उसका फल मिल जाता है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? चारकोप से, सूरत से, हमारे साथ अमेरिका से अत्रि ऋषि प्रभु भी जुड़े हुए हैं। अत्रि ऋषि प्रभु, आपका कोई प्रश्न? आप आइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये अत्रि ऋषि प्रभु जी, मैं आप सभी भक्तों से इंट्रोड्यूस करा दूं, ये अत्रि ऋषि प्रभु है और इस्कॉन लास वेगास के सदस्य है, और अभी हम इन्हीं के घर पर है, इन्हीं के घर से हम प्रवचन कर रहे हैं, तो हमारे बीच में है, इनकी बहुत बड़ी सेवा और सहयोग है, तो ये आज से हमारी हर काउंसिल में जुड़ेंगे ऐसी हम आशा करते हैं, ठीक है। जरूर। हरे कृष्णा। और कोई, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। जैसे अभी भजन में आया कि एकादशी तिथि, हाँ बोलिए जी, बोलिए मनमोहन प्रभु, माइक ऑन कीजिए आपका। प्रभु
जी एकादशी तिथि है तो ये प्रेम लतिकार मूल मतलब प्रेम देने वाली है, तो हम एकादशी करते हैं लेकिन हमें ऐसा तो नहीं लगता कि हमें भगवान से प्रेम हुआ है क्या ऐसा, मतलब तो हमारे एकादशी व्रत पालन में कुछ वो है या हमारा साधना में कुछ गड़बड़ है क्या क्या है? बहुत सुंदर, माइक ऑफ कर दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका कि आज के भजन में ठाकुर भक्ति विनोद ने ऐसा कहा कि एकादशी जो है प्रेम लति कार मूल, एकादशी प्रेम का मूल है, अर्थात एकादशी रखने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इनका बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम तो इतने सालों से एकादशी रहते हैं लेकिन फिर भी हमको कृष्ण के प्रति प्रेम का एहसास तो नहीं हो रहा है। यदि एकादशी प्रेम लतिकार मूल है, एकादशी से यदि प्रेम उत्पन्न होता है तो फिर इतनी सारी एकादशी रहते हैं तो हमको प्रेम उत्पन्न हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एकादशी रहना ही कृष्ण प्रेम है। पहला पॉइंट तो यह है कि एकादशी व्रत का पालन करना ये अपने आप में ही कृष्ण प्रेम है, क्योंकि यदि प्रेम न होता तो हम इतना कष्ट क्यों उठाते हैं। देखिए बेचारे मनमोहन प्रभु का मुंह कितना लटक गया है, देखो। तो यदि प्रेम न होता, यदि भगवान के प्रति भाव न होता तो क्यों काली फुकट हम ये मेहनत करते और इतना भूखा रहते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि हम एकादशी व्रत रहते हैं और इस प्रकार से निर्जला करते हैं तो ये साबित होता है कि हमारा कृष्ण से प्रेम है ना। और दूसरी बात कि हमको कब एहसास होगा, तो धीरे 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 इस प्रकार से ये व्रत या नियम का पालन करने से धीरे धीरे हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो ये है, ठीक है। हरिपरायण प्रभु जुहू से, हरिपरायण प्रभु कहाँ हो आप? कोई प्रश्न है आपके वहां से? ओके, शिकायत है गुरु जी। शिकायत है, क्या बात है, पूरी दुनिया के सामने शिकायत करोगे? बोलते जू के अंदर तो ये पलाव बनाते हैं तो मेरे को भोजन करवाना चाहिए भगवान को। नहीं, फिर से आप अपना प्रश्न पूछिए, फिर से प्रश्न पूछिए, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। एकादशी के दिन अर्चा विग्रह को अपना अन्न का ग्रहण जैसे हलवा वगैरह है वो कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? हाँ, कराना चाहिए। मैंने आज के प्रवचन में कहा ना कि ये एकादशी व्रत हम मनुष्यों के लिए है, भक्तों के लिए है, भगवान को तो खूब खिलाना चाहिए, है ना, भगवान को खिलाना चाहिए एकादशी के दिन। वेरी गुड। ओके, और कोई प्रश्न? प्रभु जी, यस कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, यस यस या दिनमणि प्रभु, बोलिए जी, बोलिए। प्रभु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु जी आज के दिन अनाज खाने में हमें पाप खाना बराबर है, तो ये प्रभु जी पाप पुरुष के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसका और मुरा राक्षस दोनों डिफरेंट है कि दोनों सेम है? पाप पुरुष और मुरा राक्षस का जो है रिलेशन, वो अलग अलग व्यक्तित्व है क्या, पाप पुरुष और मुरा राक्षस? यस, वेरी गुड, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी। पाप पुरुष जो है उसके अंदर मूल राक्षस है, तो पाप पुरुष जो है ये बहुत बड़ी चीज है और मूल राक्षस जैसे लोग हैं उसके इंक्लूड उनके अंदर होते हैं, है ना। तो मूल जैसे असुर बहुत सारे पाप पुरुष के अंदर निवास करते हैं, ये है, ठीक है। यस कार्तिक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे मिस आर्या है डॉटर, तो वो भी ग्यारस करती है, बट सुबह जो पारायण का टाइम होता है वो स्कूल से मैच नहीं होता है,
मतलब वो स्कूल रनिंग होती है और वो उपवास पारायण नहीं कर सकती, तो इसका क्या सॉल्यूशन? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है और आपका भाव बहुत अच्छा है कि आपकी बेटी आर्या जो है, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा बेटी का नाम बदल दीजिए, ये आर्या नाम जो है ठीक से बैठता नहीं है। आपका नाम पवित्र पूजा माता जी, इनका नाम कितना अच्छा अच्छा है, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूँ इंडिया, सबसे पहला काम ये करेंगे कि बेटी का नाम चेंज कर देंगे हम, और फिर स्कूल में भी चेंज करवा लेंगे, ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि जब हम एकादशी खोलते हैं तो उसका एक समय होता है, उस निश्चित समय में ही हमें द्वादशी पारण करना होता है, और यदि हम उस निश्चित समय में पारण नहीं करते हैं तो हमें एकादशी रहने का फल पूर्ण 100% नहीं मिलता है। तो जितनी महिमा एकादशी की है उतनी महिमा पारण की भी है, और पारण का समय ग्रह नक्षत्र के अनुसार होता है जो आप सब जानते हैं। तो आपका प्रश्न यह है कि मेरी बेटी स्कूल में जाती है और पारण का जो समय है वो मैच नहीं करता है, तो जैसे कि शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, जान लीजिए कि हम सब वैष्णव जगत में एकादशी व्रत खोलने की विधि जो है, द्वादशी पारण करने की विधि जो है, वो जगन्नाथपुरी के चावल को खाकर होती है। जगन्नाथपुरी से हमें चावल लेकर आना चाहिए, मंगवाना चाहिए, या हमारे मंदिरों में ये सुविधा है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को जो भात लगाया जाता है वो चावल हमारे मंदिरों में मिलता है, तो वो चावल हमारे शीशी में रखना चाहिए और उस चावल से ही प्रत्येक एकादशी को खोलना चाहिए। जब हम द्वादशी का पारण करते हैं तो उस चावल से ही हमें शुरू करना चाहिए। आज भी हमारे, हम तो जब से होश संभाल रहे हैं तब से हम ये करते आए हैं, तो ये तो सीधी सुविधा हो गई। हम कहीं भी रहेंगे, ट्रेन में रहेंगे, बस में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, या बेटी स्कूल में जा रही है और उस समय एकादशी खुल रही, तो वो चावल का दाना उनको दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि जब भी ये समय हो तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जैसे वो जगन्नाथ जी का चावल हम लेते हैं तो एकादशी खुल जाती है। जब तक आपको जगन्नाथपुरी से वह चावल की सुविधा नहीं होती है, तब तक आप अपने घर पे ही जगन्नाथ जी को भोग लगाकर ये सुविधा कर लीजिए, और फिर शीघ्रातिशीघ्र उस चावल को मंगा लेना चाहिए, ठीक है? ओके, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस। अरे भूखिया भूखिया प्रश्न पूछवाना मैंने। आप ही बोलने के प्रश्न पूछो। ओके, पूछिए। तो इस्कॉन की एकादशी हमेशा जो नॉर्मल कैलेंडर की एकादशी से एक दिन लेट क्यों होती? आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। दो प्रकार की एकादशी होती है, एक है स्मार्तक एकादशी और एक है भागवती एकादशी। ओके, दो प्रकार की एकादशी होती हैं, एक है स्मातक एकादशी और एक है भागवती एकादशी। स्मातक एकादशी जो है वो दशमी प्रदान होती है। आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर। स्मातक एकादशी जो होती है वो दशमी प्रदान होती है, और भागवत एकादशी जो होती है वो द्वादशी प्रदान होती है। तो कभी कभी ग्रहवार नक्षत्र ऐसे चलते हैं कि एकादशी के साथ दशमी होती है और कभी कभी एकादशी के साथ द्वादशी होती है। तो इस समय जो स्मातक एकादशी का व्रत का पालन करते, जो स्मातक एकादशी रहते हैं वो दशमी प्रधान एकादशी को फॉलो करते हैं, और जो भागवत विधि में है वो द्वादशी प्रधान एकादशी को फॉलो करते हैं। तो ये दो प्रकार की एकादशी। तो लोक में, समाज में लोग दशमी प्रधान एकादशी को फॉलो करते हैं, और क्योंकि हम लोग भागवत विधि में है, हम लोग भागवती एकादशी को फॉलो करते हैं, इसलिए हम द्वादशी प्रधान एकादशी को फॉलो करते हैं। तो जिस एकादशी के साथ द्वादशी तिथि जुड़ी हुई है हम उसको फॉलो करते हैं, इसलिए हमारी एकादशी कभी कभी एक दिन पीछे होती है। ओके, और इसी के साथ मैं एक जोड़ना ये चाहूंगा कि शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि जिस दिन एकादशी होती है तो एकादशी व्रत रहने वाला दशमी भी करता है, एकादशी भी करता है और द्वादशी भी करता है। ये सोचकर कि भाई एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन अगले दिन जो अन्न खाया है वो तो पेट में है,
इसलिए वो एक दिन पहले से ही एकादशी व्रत शुरू कर देता है। लेकिन कलयुग में ये सब संभव नहीं है, कलयुग में तो आदमी एक दिन ही रह जाए सबसे बड़ी बात हो जाती है, इसलिए ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ओके, तो समय हो चुका है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ प्रणाम। कभी कभी एकादशी के बाद द्वादशी के दिन भी कभी कभी हमारा किसी का कुछ उपवास वगैरह होता है, तो तभी हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकादशी का पारायण करे या फिर ये उपवास कंटिन्यू करे, तो हमें कैसे करना चाहिए, जरा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है कि कभी कभी एकादशी के नेक्स्ट दूसरे दिन वराह द्वादशी होती है, जैसे एकादशी है वराह द्वादशी है, या नेक्स्ट दूसरे दिन कुछ फेस्टिवल उत्सव होता है, तो हम क्या करें। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ही ये काउंसिल सिस्टम होती है। जैसे हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, हमें कभी कोई रोग या कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो तुरंत फैमिली डॉक्टर को फोन करके पूछते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो प्रश्न भक्ति में बाधक है, इसी के लिए ये काउंसिल सिस्टम है। तो एकादशी के दूसरे दिन व्रत नियम होते तो क्या होता है, तो प्राय ऐसा होता है कि एकादशी के दूसरे दिन यदि कोई व्रत है उस व्रत को फॉलो करने के लिए, क्योंकि द्वादशी के दिन पारण करना भी जरूरी है, तो आचार्यों ने ऐसा मार्ग निकाला है कि यदि दूसरे दिन कोई व्रत होता है तो एकादशी व्रत में आप आधा दिन 12 बजे तक निर्जल कर देते हो एकादशी के दिन, तो फिर दूसरे दिन व्रत रहने की जरूरत नहीं है। ये देश काल समय के अनुसार आचार्यों ने इस प्रकार के मार्ग निकाले हैं। फिर भी जब ऐसी सिचुएशन हो तो आचार्यों को पूछकर हमें उसको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एकादशी के दिन हम उपवास करते हैं और नेक्स्ट डे वराह द्वादशी है, तो वराह द्वादशी के दिन भी उपवास होता है। तो वराह द्वादशी के दिन उपवास करने के लिए एकादशी को हम कैसे छोड़े, पारण कैसे करें, तो ऐसे आचार्यों ने कहा है कि भाई एकादशी आप 12 बजे तक निर्जला कर दो तो वराह द्वादशी का फल आपको एकादशी के साथ इंक्लूड मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको फॉलो करना चाहिए। देशकाल पात्र के अनुसार हमें गुरु को साधु को पूछ लेना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न? ओके, तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सभी भक्त आज इस एकादशी विशेष काउंसिल में पधारे, और इसी प्रकार से आप सब काउंसिल में आते रहिए, और आप सबको शुभकामना। मैं आज नहीं पूछूंगा क्योंकि आप सबके चेहरे देखकर लगते हैं कि आज पूछने जैसा नहीं है, लेकिन अगले प्रोग्राम में सबका रिपोर्ट लूंगा कि 16 माला कब शुरू होती है, कब समाप्त होती है, और श्रील प्रभुपाद की बुक्स आप कितनी पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, ये अगले काउंसिल में। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे।